सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रिया को जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीबी की इस याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें, बीते साल अक्टूबर में रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी, जिसके खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। इसी महीने एनसीबी ने मुंबई के कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें रिया और उनके भाई शौबिक समेत 33 लोगों का नाम शामिल है। इसके अलावा कोर्ट के सामने पेश की गई 12,000 पन्नों की चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज हैं। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई राज्यों ने इस महामारी के खिलाफ सख्ती भी शुरू कर दी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह रही कि राजस्थान में इन राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई। सरकार ने सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत बस अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी। जयपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि ट्रेनों के पहुंचते ही सबसे पहले लोगों की कोरोना जांच की गई और उसके बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दिया गया। जांच के साथ ही उन लोगों का ब्यौरा भी लिया गया ताकि अगर किसी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो तुरंत ही उसे बाकी लोगों से अलग करते हुए उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों की राजस्थान के अंदर स्क्रीनिंग करने के बाद में एंट्री दी जा रही। मध्य प्रदेश में भी इस महामारी का कहर जारी है। वहां कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करवाने के साथ ही सरकार ने जागरूकता अभियान भी चलाया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद कई लोग बिना मास्क के ही बाहर घूमते दिखाई दिए। ऐसे लोगों को टोकने पर उनके पास बहानों की कमी भी नहीं मिली। आपके पास मास्क है फिर भी क्यों नहीं पहने थी आप? लेट हो रहे थे, मुझे घुटन होती है। लोगों के इस रवैये की वजह से राज्य में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जिसके बाद कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए शिवराज सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ा और सबसे प्रभावित 2 जिलों भोपाल और इंदौर में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जो रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रोजाना जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी में ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी। भोपाल और इंदौर में यह सख्ती इसलिए बढ़ती गई क्योंकि राज्य के 54% कोरोना के मरीज केवल इन्हीं 2 जिलों से हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 84 की मौत हो गई। यानी इस साल पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार चली गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि मौजूदा वक्त में देश के 76% कोरोना के मरीज सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं, जबकि दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर लोगों को डराने लगे। इसके पीछे लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही, इसीलिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही राज्य सरकारों को सख्ती भी बरतनी पड़ रही। दिल्ली से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर गाड़ियों को रोककर मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए। सिविल डिफेंस के लोग यहां पर हैं, वो मास्क के लिए चालान काटने का जो कार्यक्रम है वो पूरी दिल्ली में इसी तरह से चल रहा है। इस दौरान कई लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिखे लेकिन उन्होंने उसे सही तरीके से नहीं पहना था। ऐसे लोगों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। कुछ जगहों पर लोग चालान काटने पर बहस करते भी दिखाई दिए, हालांकि बाद में उनसे भी जुर्माना वसूला गया। और देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना की जांच की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। होली का त्यौहार नजदीक आते ही देश के अलग अलग राज्यों से वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और इसके साथ ही बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर कोरोना की जांच के लिए केंद्र भी बना दिए गए। पटना रेलवे स्टेशन पर इस महामारी की जांच के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। जांच के बाद ही वहां लोगों को स्टेशन से बाहर निकलने की इजाजत दी गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच नीतीश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाने का भी आदेश जारी कर दिया। जो भी यात्री बिहार पहुंचेंगे तो पहले उनका कोरोना जांच होगा और निगेटिव पाए जाने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने देश के कई राज्यों में कोरोना के तेजी से फैलने पर चिंता जताई और वैक्सीन की बर्बादी करने वाले राज्यों को आगाह किया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात की और दोनों राज्यों में जांच और इलाज को तेज करने पर जोर दिया।
साथ ही उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को इस महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया। इस बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वैक्सीन की 10% डोज बर्बाद हुई, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना की वैक्सीन 10 या 20 डोज के पैकेट में आती है और एक समय में 10 या 20 लोग हों तभी वो पूरा पैकेट इस्तेमाल हो सकता है, वरना बची हुई डोज खराब हो जाती है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता विवेक गुप्ता को शारदा घोटाला मामले में ईडी का नोटिस भेजा गया है। सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेक गुप्ता कोलकाता के एक हिंदी अखबार के संपादक हैं और टीएमसी से राज्यसभा सांसद रहे हैं। आपको बता दें, अभी कोलकाता के जोड़ा सांकू से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं और अब उन्हें शारदा घोटाला मामले में ईडी का नोटिस भेजा गया है और सोमवार को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। टीएमसी नेता विवेक गुप्ता को शारदा घोटाला मामले में ईडी का नोटिस जारी हुआ है। सोमवार को ली बकायदा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेक कोलकाता के एक हिंदी अखबार के संपादक हैं। इस पूरी खबर पर आशिका हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशिका, और क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल तो यही जानकारी है कि शारदा घोटाला मामले में एक और नोटिस जारी हुआ है। इसके पहले भी हमने देखा है कई टीएमसी के नेताओं के नाम पर नोटिस जारी हुए हैं। पार्थ चटर्जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके नाम पर भी हो चुका है, मदन मित्रा, और अब जो है ये विवेक गुप्ता जो कि जोड़ा साको से टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उनका नाम भी उनके नाम पर भी ये नोटिस जारी हुआ है। सोमवार को उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले देखा गया है कि चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे दूसरे नेता, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार से बचाने रोकने के लिए उनको ये नोटिस भेजी जा रही है और चुनाव के एंड पहले इन नोटिस को टीएमसी की तरफ से पॉलिटिकल वेंडेटा बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया आशिका। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़े हैं। बांग्लादेश की ओर से 1000 से भी ज्यादा बार इस तरह की हरकतें की गई हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 61 बार घुसपैठ की साजिश रची गई। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा पर भी घुसपैठ की 63 घटनाएं सामने आई। हालांकि भारत से लगी चीन, भूटान और म्यांमार की सीमा से घुसपैठ की कोशिश ना के बराबर रही। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए सरकार ने वहां कटीले तार लगाने का काम तेज कर दिया है और इसके अलावा केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों से भी इस मसले पर लगातार बात कर रही है जिनके इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चारबाग और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आतंक मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने अनोखा तरीका निकाला। इन स्टेशनों के लिए लंगूर पालने वाले कुछ लोगों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया, जो लंगूर की आवाज निकालकर वहां मौजूद बंदरों को भगाने का काम करते हैं, जिसकी एक तस्वीर राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां लंगूर पालने वाले 3 लोग स्टेशन पर बंदर भगाते दिखे। स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर उन्होंने बंदरों को भगाने की कोशिश की। कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी पुल पर, तो कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर वो लोग लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को डराते दिखे। स्टेशन पर बंदरों को भगाने में जुटे इन लोगों ने बताया कि वो उनकी आवाज सुनकर क्यों भाग जाते हैं। आवाज देते हैं तो समझ लो तुम भागो, नहीं तो ऊपर से एक लंगूर आ रहा हमारा तुम्हें उठा के नीचे फेंक देगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों ने भी रेलवे के इस कदम को सराहा। काफी सराहनीय है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसी तरह वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले कुछ लोगों को रखा गया। गुजरात के सानंद से कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां खेतों में आग लगने से तैयार फसल राख हो गई। बताया गया कि आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की, जिसने वहां मौजूद खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया और देखते ही देखते कई खेत आग की चपेट में आ गए। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस मंजर को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और किसान इधर उधर भागने लगे। इस घटना में कई खेतों में तैयार हो चुकी फसल पूरी तरह से राख हो गई। दुनिया को कमाल के रोबोट देने के लिए अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी और कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड ने हाथ मिला लिया।
इसके लिए 544 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से खास तौर पर बनाई गई एक बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में अलग अलग तरह के रोबोट अपने जलवे दिखाते नजर आए। दो रोबोट तो किसी जानवर की तरह चार पैरों वाले दिखे, लेकिन हूबहू इंसान जैसी कदकाठी वाला एक रोबोट तो बिल्कुल इंसान की ही तरह ट्रेडमिल पर वॉक करता नजर आया। उस पर बस सिर लगाने की कमी थी, फर्श पर तो वो आराम से चलता हुआ दिखा, रेत पर चलते हुए भी वो एक बार भी नहीं लड़खड़ाया। बताया गया कि फोर्ड के इंजीनियर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब मिलकर काम करेंगे ताकि रोबोटिक्स की दुनिया में नए कारनामे किए जा सके। प्रधानमंत्री पर दिए अपने बयान पर राहुल गांधी घिर गए। लोकतंत्र की बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला किया और इशारों इशारों में प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से कर डाली। सद्दाम हुसैन एंड गद्दाफी यूज्ड टू हैव इलेक्शंस, दे यूज्ड टू विन देम, दे वर यू कैन डिस्ट्रॉय एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इफ यू हैव गॉट फेसबुक, इफ यू हैव गॉट व्हाट्सएप। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल के बयान को देश के सम्मान से जोड़ते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच शाम 7 बजे अहमदाबाद में चौथा T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 101वीं जयंती पर उन्हें याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारतीयों के लिए भी एक हीरो हैं। पीएम अगले हफ्ते 26 मार्च को 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। वहां वो शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेश दौरा होगा। ओडिशा में पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया। कोरोना खतरे की वजह से बने हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और शुभेंदु अधिकारी पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से शुभेंदु का नाम हटाने की मांग की। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में लश्करे तैयबा से जुड़ा TRF नाम का एक आतंकी संगठन बड़े हमले की फिराक में है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि बारामूला के पट्टन इलाके में बड़े आतंकी हमले की खतरा है। खबर है कि वहां TRF से जुड़े कई आतंकी छिपे हैं। TRF एक ऐसा संगठन है जिसे लश्करे तैयबा चलाता है। इस संगठन का पिछले कुछ दिनों में कई मामलों में नाम भी सामने आया। हमले की साजिश का पता चलते ही सुरक्षा बल ने पट्टन इलाके में कई जगहों पर लश्करे तैयबा के आतंकी खुर्शीद अहमद मीर के पोस्टर लगवा दिए और इसी आतंकी पर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, बारामूला के अलावा श्रीनगर में भी TRF के 4 आतंकियों की चहलकदमी लगातार देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को श्रीनगर पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। खबर है कि आतंकियों को ये सभी निर्देश कुलगाम में बैठा TRF का सरगना अब्बास शेख दे रहा है। सचिन वाजे केस में NIA की जांच के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गाज गिरी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया। तबादले के बाद उन्हें होमगार्ड्स का महानिदेशक बनाया गया। उनकी जगह पर हेमंत नगराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 58 साल के हेमंत नगराले 1987 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इससे पहले वो महाराष्ट्र पुलिस के DGP के पद पर तैनात थे। मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यमन में सेना और हूथी विद्रोहियों में चल रही खूनी जंग के बीच वहां के शहर मरीब के एक बाजार में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि इस हमले के पीछे यमन सरकार का सिरदर्द बन चुके हूथी विद्रोहियों का हाथ है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बाजार में चारों तरफ अफरा तफरी नजर आई। जमीन और गाड़ियों पर खून बिखरा हुआ नजर आया। इस हमले में जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी हो गया और मिसाइल की चपेट में आई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हमले में सही सलामत बचे लोगों ने इस जंग में शामिल संगठनों और हूथी विद्रोहियों से अपील की कि वो नागरिकों को निशाना ना बनाएं। ماذا بالمناطق اللي مش موجود فيها لا عسكرات ولا ثكلات عسكريه ولا
गुजरात के कच्छ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक भाई ने अपनी बहन की सरेआम हत्या कर दी। आरोप है कि उसे अपनी बहन पर इलाके के एक आदमी के साथ अवैध संबंध का शक था और इस बात से नाराज होकर उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो एक खुले मैदान में चाकू लहराता दिखाई दिया और उसके सामने जमीन पर उसकी बहन का शव पड़ा नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो चाकू लहराते हुए उन्हें वहां से दूर जाने को कहने लगा। थोड़ी देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। अपने पास लेके आए हुए छड़ी से 8 से 10 घा लगाकर उसका मर्डर किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम मेदिनीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण के एसपी सौम्य रॉय का तबादला करने के साथ उन्हें चुनाव के काम में नहीं लगाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि सौम्य रॉय की पत्नी सोनापुर दक्षिण सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सौम्य रॉय की जगह श्री हरि पांडे को हावड़ा ग्रामीण का नया एसपी बनाया गया। गुजरात के वडोदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजय वल्लभ अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इसके बाद आनन फानन में अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 4 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने बुरईपुर पूर्वी सीट से चंदन मंडल, फाल्टा से विधान परुई, उलूबेरिया दक्षिण से पापिया अधिकारी और जगत बल्लभपुर से अनुपम घोष को टिकट दिया है। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आदिल नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बताया गया कि 25 फरवरी को आदिल स्वरूप नगर में तैनात कांस्टेबल संदीप को गोली मारकर फरार हो गया था और तभी से इसकी तलाश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ट्रकों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और फिर पानी की बौछार करके आग को बुझा दिया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। कागज फिल्म के निर्माता सलमान खान और निर्देशक सतीश कौशिक के खिलाफ यूपी के आजमगढ़ के जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका में दलितों का अपमान करने और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवाने का आरोप लगाया गया। राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ ने गहलोत सरकार के विरोध में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर इस समूह से जुड़े लोगों ने पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान के तहत उन्होंने विधानसभा की इन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। इसके साथ ही उन्होंने उन उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार के समर्थन में एक रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने और बेरोजगार उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इस रैली में शामिल लोगों के हाथों में कई पोस्टर और बैनर दिखाई दिए। इसके साथ ही वहां जमकर ढोल बजाए गए और गहलोत सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों की ये चुनावी रैली कई इलाकों से होकर गुजरी। सहाड़ा के अलावा सुजानगढ़ और राजसमंद में भी इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध में प्रचार किया गया। इन सभी सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होने। बिहार विधानसभा में मंत्री और स्पीकर में बहस हो गई। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर में तीखी बहस हुई। सम्राट चौधरी के विभाग ने ऑनलाइन सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस पर स्पीकर ने उन्हें कार्यवाही के दौरान टोका। उन्हें विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। लेकिन व्याकुल शब्द स्पीकर को ऐसा खटका कि बहस बढ़ती चली गई। अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। जब सम्राट चौधरी नहीं माने तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होगी। सदन स्थगित की जाती है। बाद में कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सफाई दी। जो कुछ भी बातें आई है कुछ बात हुई है, सब लोगों ने अपना कर लिया, जिनसे कोई भूल हुई है उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी ले लिया है। कॉमेडी फिल्म हेलो चार्ली का टीजर जारी कर दिया गया। आदर जैन की यह फिल्म 9 अप्रैल को ऑनलाइन रिलीज होगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की। योगी आदित्यनाथ वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने चीन के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए। आरोप है कि वीजा खत्म होने के बाद ये लोग फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी और बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार नहीं करने की अपील की। कांग्रेस का शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में तो तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ बिहार में गठबंधन है। लीडर लोग आ जाए तो हमारे वर्कर में वर्कर्स का मन में थोड़ा कंफ्यूजन तो तैयार होगा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस बीमारी से 84 लोगों की जान चली गई। मतलब ये कि देश भर से जितने कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं उनमें 61% मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। इस साल ये पहली बार है जब राज्य में 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा करीब 5,000 केस पुणे से सामने आए। इसी तरह मुंबई में एक दिन में कोरोना के करीब 2400 मरीज सामने आए हैं। बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी के सियासी हमलों का करारा जवाब देने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल आ रहे हैं। आज सुबह 11 बजे पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली होगी। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पुरुलिया में 9 विधानसभा सीट है और अभी तक पुरुलिया को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनावों में टीएमसी ने यहां पर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसलिए यहां पर पीएम की रैली बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी की नजर यहां के 23% वाले महतो वोट बैंक पर भी है। पुरुलिया की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली जो कि पुरुलिया में हो रही है, ये जंगल महल रीजन है। अगर आप इस जगह के इस पूरे क्षेत्र के महत्व को समझना चाहते हैं तो जंगल महल जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। हालांकि 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पे पुरुलिया के 9 सीटों में से 7 टीएमसी के झोली में गई थी और 2 कांग्रेस को गई थी, लेकिन 2019 के जो लोकसभा सीट में इन्हीं 9 सीटों में से 8 पे बीजेपी की बढ़त थी और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पे हैं, एमपी भी हैं यहाँ पे पुरुलिया से। और ये जो पूरा क्षेत्र है जिसे जंगल महल कहते हैं, जिसमें कि झारग्राम है, जिसमें कि आसनसोल है और ये जो बांकुड़ा है, ये जो जिले हैं इसमें न केवल आदिवासी पॉपुलेशन है बल्कि यहाँ पर नक्सलिज्म भी है और साथ में यहाँ पे ये पूरा जंगल इलाका है, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहा है। तो अगर बीजेपी को कलकत्ता में उस कुर्सी पे बैठना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना है, तो उसे इस ये जो क्षेत्र है जंगल महल क्षेत्र जो है वहाँ पे इसे काबिज होना होगा, वहाँ पे कब्जा करना होगा। लगभग 60 से 65 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि इन 3-4 जो ज़िले हैं उनमें मिला के आते हैं और इसमें बीजेपी को अच्छा अपना दमखम दिखाना होगा, अपना स्कोर दिखाना होगा। पुरुलिया की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली जो कि पुरुलिया में हो रही है, ये जंगल महल रीजन है। अगर आप इस जगह के इस पूरे क्षेत्र के महत्व को समझना चाहते हैं तो जंगल महल जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। हालांकि 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पे पुरुलिया के 9 सीटों में से 7 टीएमसी के झोली में गई थी और 2 कांग्रेस को गई थी, लेकिन 2019 के जो लोकसभा सीट में इन्हीं 9 सीटों में से 8 पे बीजेपी की बढ़त थी और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पे हैं, एमपी भी हैं यहाँ पे पुरुलिया से। और ये जो पूरा क्षेत्र है जिसे जंगल महल कहते हैं, जिसमें कि झारग्राम है, जिसमें कि आसनसोल है और ये जो बांकुड़ा है, ये जो ज़िले हैं इसमें न केवल आदिवासी पॉपुलेशन है बल्कि यहाँ पर नक्सलिज्म भी है और साथ में यहाँ पे ये पूरा जंगल इलाका है, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहा है। तो अगर बीजेपी को कलकत्ता में उस कुर्सी पे बैठना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना है, तो उसे इस ये जो क्षेत्र है जंगल महल क्षेत्र जो है वहाँ पे इसे काबिज होना होगा, वहाँ पे कब्जा करना होगा। लगभग 60 से 65 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि इन 3-4 जो ज़िले हैं उनमें मिला के आते हैं और इसमें बीजेपी को अच्छा अपना दमखम दिखाना होगा, अपना स्कोर दिखाना होगा। आज की अगर रैली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे के आसपास में यहाँ से संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री का वो स्टेज आप देख रहे हैं, वहाँ पे SPG की सिक्योरिटी है और उसकी तैयारी की जा रही है।
यहीं से प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। झारग्राम, ये जो पूरा इलाका है, पुरुलिया का इलाका है, जो जंगल महल इलाका है, वहाँ के मुद्दों की बात करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे मुखातिब होंगे। और सिक्योरिटी का यहाँ पर खासा इंतज़ाम है। आज आप देखिए, अगर तो खास करके जब से बंगाल में दो जगह पब्लिक रैली में और रोड शो में जब से मारपीट की घटना हुई है, उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती है। सिक्योरिटी का खासा इंजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है, यहाँ पे स्टेट पुलिस जो है वो भी लगी हुई है। और उनका कहना है, आज हमारी बात हो रही थी जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कहना है कि खासकर क्योंकि यहाँ पे दो घटनाएं बंगाल में हो चुकी हैं पब्लिक रैलीज में मारपीट की घटना, इसलिए इस बार जो है वो किसी तरह की कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं वो, और सिक्योरिटी के मामले में इस बार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने कैश समेत दूसरी चीजों को जब्त करने का रिकॉर्ड बना लिया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि आयोग ने आचार संहिता लगने के बाद तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरल और पुदुचेरी से अब तक कुल 331 करोड़ रुपए की शराब, कैश और दूसरी चीजें जब्त की, जबकि 2016 में इन राज्यों से चुनाव आयोग ने 225 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग्स और कैश बरामद किया। इस मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा, जहां इस बार करोड़ों के कैश के साथ ही कई ऐसा काफी ऐसा सामान बरामद हुआ जिसकी कीमत 127 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर रहा, जहां कैश समेत 112 करोड़ रुपए की दूसरी चीजें बरामद की। असम से चुनाव आयोग ने 64 करोड़ और केरल से 22 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया। यानी पहले चरण के मतदान से पहले ही कैश समेत दूसरी चीजें जब्त करने का नया रिकॉर्ड बन गया। आयोग ने इन पांच राज्यों में काले धन के इस्तेमाल पर निगरानी रखने और रोक लगाने के लिए करीब 300 लोगों की एक खास टीम भी गठित की थी। अजान पर एतराज जताने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने 3 मार्च को प्रयागराज के जिलाधिकारी को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी थी और शिकायत की थी कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। और जैसे ही ये बात सामने आई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन छात्रों ने कुलपति संगीता श्रीवास्तव की अजान की वजह से नींद टूटने वाली बात पर आपत्ति जताई और उनका पुतला फूंका। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विश्वविद्यालय में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जैसे ही प्रदर्शन करने वाले छात्र बवाल बढ़ाने के मूड में दिखे, पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंच गए। हालांकि इससे पहले इन छात्रों ने काफी हंगामा किया और उन्होंने नारे लगाते हुए कुलपति का पुतला जलाया। ये पूरा हंगामा उस समय हुआ जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव प्रयागराज में नहीं है। वो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी है और 15 मार्च से छुट्टी पर है। वाइस चांसलर इन दिनों गुजरात में है। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और जो अधिकारी हैं इस मामले में बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बारे में उनके घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी ने मीडिया से बात की। हम लोग तो ड्यूटी पर रहते हैं, मैडम देर रात तक जगती हैं, तो सुबह में अचानक इतना तेज आवाज आती है तो डिस्टर्बेंस। संगीता श्रीवास्तव ने अपनी चिट्ठी प्रयागराज के जिलाधिकारी के अलावा कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी है, जिसके बाद इस मुद्दे पर जबानी जंग भी छिड़ गई। मुस्लिम धर्मगुरु तो खुलकर संगीता श्रीवास्तव के खिलाफ मैदान में आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने साजिश के तहत चिट्ठी लिखी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए, जबकि बीजेपी संगीता श्रीवास्तव के साथ खड़ी नजर आई। संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। चिट्ठी पर छिड़ी बहस के बीच इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा। इससे पहले गायक सोनू निगम ने भी जब अजान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही थी तो खूब हंगामा हुआ था। और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की चिट्ठी पर कोहराम मच गया। इस मामले में जिलाधिकारी ने एक कमेटी भी बनाई है। अपनी चिट्ठी में संगीता श्रीवास्तव ने लिखा कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे उनके घर के पास की मस्जिद में होने वाली अजान की आवाज से उनकी नींद टूट जाती है। यही नहीं, संगीता श्रीवास्तव ने यह भी लिखा कि नींद में खलल पड़ने से उनके सिर में दिन भर दर्द रहता है और कामकाज पर असर पड़ता है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने उस कहावत का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे शख्स की नाक शुरू होती है। उन्होंने 15 मई 2020 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को आधार बनाकर शिकायत की जिसमें कहा गया था कि अजान में
लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जरूरी नहीं। हालांकि अपने खत में उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है और सुझाव दिया कि मस्जिद में अजान लाउडस्पीकर के बिना भी हो सकती। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी तक शिकायत पहुंचने के बाद कुलपति के घर के पास वाली मस्जिद की कमेटी ने लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी। साथ ही दावा किया गया कि उनकी आवाज भी धीमी कर दी गई, उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर देंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय ने भाग लिया। बैठक में बचे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। वहीं इस बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 4 और उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, बैठक में कुछ सांसदों के बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ाने पर मंथन भी हुआ। सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा अखाड़े में उतारा जा सकता है और इसी तरह मथुआ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सांसद शांतनु ठाकुर को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। एनसीटी एक्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया है, जिसके पास होने पर दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को वहां से खदेड़ दिया। सामने आई एक तस्वीर में तो पुलिस एक कार्यकर्ता को डंडे से पीटती दिखी। एनसीटी एक्ट का विरोध सड़क पर ही नहीं, संसद में भी नजर आया। आम आदमी पार्टी के सांसद संसद परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से एक सरकार चुनी है, उस सरकार का क्या मतलब रह जाएगा, लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। जवाब में बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और एनसीटी एक्ट में संशोधन को दिल्ली के लिए बेहद जरूरी ठहरा दिया। दिल्ली की जनता ने सिर्फ आपको नहीं चुना, हमें भी चुना है और सबको अपने काम करने के लिए जीत चुना है, ना कि एनआरकी फैलाने के लिए। एक दिन पहले भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, जिसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता भी पहुंचे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी अपील की गई। जनता ने 70 में से 65 सीट गई, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया। एक्ट पर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार निशाना साधा और जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए नजर आए, जिनके जरिए केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र की कठपुतली बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज 50 दिन बाद याद आई है कि दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। टीवी पर चल रहा है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 12 साल की वो लड़की जिसने स्कूल और कॉलेज में छोटे बच्चों को तंग करने से रोकने का बीड़ा उठा लिया और बना ली एंटी बुलिंग स्क्वाड। ये है यंग जीनियस, जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसके दोस्तों ने मिलकर 6 साल की एक नन्ही बच्ची को परेशान करते देखा, उसका मजाक बनाते देखा। When two of my friends, they came up to me and उन्होंने मुझे बताया कि वो एक 6 साल की लड़की को बुली करेंगे। I felt so angry at them that they would do that just because they found her annoying. ये है यंग जीनियस, जो बुलिंग नाम के इस सामाजिक राक्षस के खिलाफ 12 साल की उम्र में ही उठ खड़ी हुई और खुद में मिसाल बन गई। ये है यंग जीनियस, जो खुद स्कूल में पढ़ती है मगर जिसने एंटी बुलिंग स्क्वाड बनाई और अब तक
700 बच्चों की मदद कर सकी, उन्हें बचा सकी, समझा सकी। और मैंने पता किया कि 70% लोग दुनिया में बुली हो रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। And I started anti-bullying squad. जिसने स्कूलों, कॉलेजों में परेशान करने, बुलिंग करने के खिलाफ एक सामाजिक मुहिम छेड़ी, जो लोगों को बुलिंग के खिलाफ शपथ दिलवाती है और एक दूसरे से प्यार और इज्जत से पेश आना सिखाती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ और फाउंडर दिल्ली की अनुष्का जॉली के साथ, जिसकी वेबसाइट पर बुलिंग का शिकार बच्चा या बड़ा कोई भी मदद मांग सकता है, जहां मानसिक, शारीरिक और साइबर बुलिंग से निपटना सिखाया जाता है। आ रही है ये बच्चों की फरिश्ता बनने वाली यंग जीनियस 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।